एल होता है, उसको क्या बोलते हैं, डीएएल, डिम अलाइन। देखो कि जैसे कि मान लो ये लाइन है, एफ ऑन कर देता हूं, इस लाइन का मतलब अगर स्ट्रेट जो लाइन होती है ऐसे सीधी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसकी डायमेंशन निकालने के लिए आपको कमांड लगानी पड़ेगी डी एल आई, डिम लाइनर। यहाँ क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा और ये डायमेंशन इसकी शो कर रही है। ये तो डी एल आई से हो गया। अगर आपके पास लाइन ऐसे अलाइन हो, जैसे तिरछी लाइन है ना, यहाँ पर एल एंटर करता हूँ, एफ एंड बंद कर दिया, तिरछी लाइन होती है तो उसके डायमेंशन करने के लिए कमांड लगाते हैं डी ए एल, डिम अलाइन, डायमेंशन अलाइन। ये इसकी परफेक्ट डायमेंशन है, ना कि ये वाली डायमेंशन परफेक्ट है इसकी। डी एल आई से डायमेंशन करूंगा ना, डायमेंशन ये भी दिखा देगा, बट ये परफेक्टनेस वाला डायमेंशन नहीं देगा। ये इसकी सही डायमेंशन नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली इसकी सही लाएंगी डायमेंशन। सर्कल की डायमेंशन देखने के लिए कौन से कमांड लगाते हैं, डी आर ए, डायमेंशन ऑफ रेडियस, और डायमीटर देखना हो तो डीडीए डी डी आई है ना। डीडीए और अगर मान लो मेरे को एंगल देखना हो तो डीडीए क्या, डी ए एन है ना, डायमेंशन ऑफ एंगुलर, डी ए एन एंटर। और अगर मान लो मेरे को आर्क की रेडियस देखनी पड़े तो, आर्क की लेंथ देखनी पड़े तो कौन सी कमांड होगी, आर्क की लेंथ पता करनी हो तो टेल मी फास्ट। अरे बोलो भाई, ये से मत करो, डी ए आर है ना, बस डी ए आर, ये डी ए आर, डिम आर्क। एक आर्क की रेडियस पता करने के लिए एक कमांड और होती है, उसका नाम है डी जे एल या डी जे ओ, डी जे ओ, डायमेंशन ऑफ जर्क लाइन। ये देखो ये होता है डायमेंशन ऑफ जर्क लाइन, इसको बोलते हैं डी जे ओ, डिम जर्क। और अगर आपको इस लाइन को ही आपको जिग जैग बना दो, डी जे एल होता है, डी जे एल, डी जे एल, डायमेंशन जॉग लाइन सेलेक्ट करा, कहाँ से तोड़ना या तोड़ना, ये तो जॉग लाइन कन्वर्ट हो गई। डी जे चार्जर सर काम रहे हैं, मोबाइल का पीछे पास करना, डी जे एल कमांड लगाएंगे, ये सिर्फ एक लाइन को ही ब्रेक करेगा। इधर से करो, इधर से करेगा, इधर से करो, इधर से करेगा, दोनों में से एक लाइन को ब्रेक कर, मतलब इसे जो लाइन को कन्वर्ट कर देगा जिग जेट में। ये होता है डी जे, डी जे ओ, ये डी ए आर, ये डी ए एल, ये डी आर ए, और ये डी ए एन, और ये डी एल आई। क्लियर? और भी कोई लेंथ वगैरह याद करने के लिए आता है, और भी होते हैं कोई, नहीं होते हैं। अब और जो होते हैं इसके, इनके साथ ही वो जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि एक मैंने लाइन यहाँ से एफ एट ऑन कर देता हूँ, इस लाइन की मैं कॉपी कर लेता हूँ सीओ से, बेस पॉइंट यहाँ रखा, ए एंटर करा, मैंने 5 आइटम ले लिए। अब जो चीज काम आती है, तो पहले तो आपको डीएलआई लगाना पड़ेगा, डिम लाइनर। अब इसके बाद आपको इसकी कंटिन्यू डायमेंशन करनी है, तो कौन सी कमांड आएगी, सीओ डीसीओ या डिम कंटिन्यू, डीसीओ। अब जहां से मैंने छोड़ा था ना, वहीं से स्टार्ट होगी, कंटिन्यू जल्दी रहेगी। ये होता है डीसीओ। एक हमारे और कमांड होती है, उसका नाम है डीएलआई,
बी ए, डी डी बी ए, डीएलआई से आप कमांड यहां से मेजरमेंट चेक कर लो यहां तक का। और मेरे को इसके साथ जो सारी डायमेंशन होती है ना, जो मेरे को एक ही बेस से स्टार्ट करनी, मतलब इसी बेस से मेरे को कंटिन्यू चलाना है। डी बी ए डायमेंशन बेस लाइन, एंटर प्रेस कर दिया, जहां से मैंने छोड़ी थी वहीं से होगी सारी डायमेंशन, देख लो। सारी एक ही बेस से डायमेंशन हो रही है। ये कब काम आती है, कोई फर्नीचर की असेंबली करोगे या कुछ बनाओगे तो उसमें आपको डायमेंशन बेस से काउंट करनी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा कि यहां से यहाँ इतना होता है, यहां से यहाँ पूरा इतना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डी बी ए, इसमें लिखी हुई है ना सारी कमांड लिखी हुई है जो मैं करवाई थी, डी सी ओ डी बी ए, इनको ब्लैक कर देता हूँ, ये कमांड हो गया। मैं आईडी जो कमांड होती है, आईडी, आईडी कमांड क्या करती है, आइडेंटिफाई। जैसे मैंने पॉइंट को लगाया यहाँ पर पीओ से, अब मेरे को पी टाइप में जाकर के पॉइंट की मैं ले लेता हूँ वैल्यू, जैसे कुछ पॉइंट की स्टाइल ले ली, मेरे को इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो आईडी कमांड लगाई इस पॉइंट की, इस पेज पे पॉइंट की मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बता देगा, आइडेंटिफाई आईडी कमांड लगाएंगे तो। ठीक है, पॉइंट मतलब पॉइंट की कोऑर्डिनेट पता करना हो तो आइडेंटिफाई आईडी। अब मान लो कि मेरे को ये जो कमांड लगी हुई है ये तो इंच में है, मेरे को इसके बाद एक और यूनिट दिखानी है, तो वो हम डी से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जाओगे तो क्या लिखो, डी आई एम कमांड लगाओगे, डी आई एम इसके अंदर लिखोगे ALT, ALT होता है अल्टरनेट यूनिट के लिए, ALT, या फिर आप डिम ALT लिख सकते हो साथ में। यहाँ पे वेरिएबल जो है ना वो ऑफ है, न्यू वेरिएबल डायमेंशन वेरिएबल क्या है, ऑफ है, ऑन कर दूंगा, ठीक है, एंटर करूंगा, फिर लगाऊंगा डिम स्टाइल या फिर कुछ और भी कर सकता हूँ। डिम स्टाइल जाकर करा, डिम स्टाइल में जाकर के आप सेट करंट करके क्लोज कर दो, कुछ फर्क पड़ा नहीं। अब आपको अप्लाई करवाना है तो कमांड लगानी पड़ेगी टेस्ट डिम स्टाइल, यहां पर अप्लाई, अप्लाई में ऑब्जेक्ट आपको किसी एक का ही करना है तो इसको सेलेक्ट करो, एंटर करो, देखो ये इंच है और ये एमएम है, दो यूनिट दिखा रही है, ये इंच में और ये एमएम है। अब आपको पता है कि इंच है, मेरे को पता है ये एमएम है, बट किसी को स्पेसिफाई करके दिखाना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा, मेरे पीछे लिखाना पड़ेगा एम, और डायमेंशन फिर मीटर, और डायमेंशन इंच, तो दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए कमांड लगाना पड़ेगा डी आई एम लिखा, इसमें अगर आपको आगे इंच लिखना हो ना इसके आगे पीछे, तो फिर आप लगाना पड़ेगा पी ओ एस टी, मतलब पोस्ट, पी ओ एस टी पोस्ट, अब वेरिएबल लिख दूंगा मैं यहाँ पर आई एन सी एच इंच, एंटर, डेस डिम स्टाइल ए, एंटर, ऑल कर देना एक बार, पूरी स्क्रीन पे हो जाएगा, देखो पीछे क्या लिखा आ रहा है, आई एन सी एच इंच लिखा आ रहा है, ठीक है। और मेरे को इसके पीछे लिखना पड़ेगा, मेरे को मान लो मैं लिखना चाहता हूँ एमएम, तो डी आई एम में गए, कमांड लगाएंगे ए पोस्ट, यहाँ पे लिख दूंगा एमएम, और अप्लाई के लिए डैश डीम स्टाइल ए, एंटर, ऑल, एंटर एंटर, अब ये इंच में है और ये एमएम में, आप इसे दिखा सकते हो। अब इसमें नहीं दिखानी आपको, तो ये तो आप वैसे भी आपको काम कर, ये तो दिखाना नहीं मेरे को, इंच क्यों, इंच आएगा नहीं इसमें, यहाँ पे तो 42 आएगा वही एंगल वाला और कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो इसमें अप्लाई मत करना, बाकी सब पे अप्लाई कर देना, ये इंच है, ये डायमीटर है, ये इंच है, ये डायमीटर, सब दिखाएगा आपको साथ में, सब पे अप्लाई करा ना, सब पे दिखा रहा है। अब मान लो कि मेरे को इसके टेक्स की जो हाइट थोड़ी इंक्रीज करनी है, मतलब छोटी बड़ी करनी, तो डी आई एम लगा करके टी एक्स टी,
एक्स टी कमांड लगाएंगे, डिम टेक्स बोलते हैं इसको, है ना। अब इसमें डिफॉल्ट जो वेरिएबल आ रहा वो आ रहा 0.18, मैं चाहता थोड़ा सा बड़ा दिखने लगे, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मान लो 0.5 ले लेता हूँ, 0.50 बोलेंगे, 0.5 को एंटर, अप्लाई के लिए डेस्ट डिम स्टाइल ए एंटर, ऑल एंटर एंटर, टेक्स बड़े हो गए, अब ज्यादा बड़े हो जाते थोड़े छोटे भी कर सकते हैं, है ना। कमांड वही रहेगी, डी आई एम में जाकर से टी एक्स टी लिख करके मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 0.35 कर देता हूँ, डेस्ट डिम स्टाइल ए एंटर, ये आ गया 0.35। ये जो डिम में देखो, अब डेस्ट डिम स्टाइल लगाते हैं और यहाँ पर मैं देखना, मैं स्टेटस देखता हूँ तो कितनी सारी कमांड होती है डिम की, ये देखो मतलब अलग अलग वेरिएबल की अलग अलग कमांड होती है, देखो ये सारी डिम की, जैसे डिम ए एस ओ होता है क्रिएट डायमेंशन ऑब्जेक्ट, फिर डिम स्टाइल होती नॉर्मली स्टैंडर्ड चलती है जो रीड ओनली करते हैं, डिम डेसिमल प्लेस चेंज करना, कितना डेसिमल आपको रखना है, डिम डेसिमल लिख सकते हैं, डिम अल्टरनेट ऑन कर दिया, डिम यूनिट पर डेसिमल प्लेस चेंज कर सकते हैं, फिर डिम डिम लगाकर एल टी एफ मतलब कितने में आपको फैक्टर में जो यूनिट होती है ना उसको कितने फैक्टर में करना है, जैसे 25.4 mm होता है स्केल फैक्टर, अल्टरनेट यूनिट स्केल फैक्टर बोलते हैं, ए एल टी एफ कमांड लगाएंगे तो। फिर हमारा आता है डिम ए एल टी एफ जेड एफ आता है, ये भी कमांड लगा सकते हैं, इतना कोई जीरो फैक्टर कितना रखना है, मैट्रिक में रखना है, क्या रखना है, ये समथिंग समथिंग 40+ कमांड होगी, ओनली डायमेंशन डायमेंशन की, जब डिम टैक्स हो गया, डिम एस डी हो गया, एस डी होता है सर मतलब सुपर फ्रेश डायमेंशन लाइन, फिर सुपर फ्रेश एक्सटेंशन लाइन, फिर आपको ए एस जेड होता है एरो साइज के लिए, फिर आपके राउंड फिगर में आते हैं कमांड्स कलर के लिए होता है, डीएम सी एल आर टी सी एल आर ई सी एल आर डी, फिर हम ब्लॉक भी मतलब ब्लॉक जो होते हैं ना एरो वगैरह वो भी हम चेंज कर सकते हैं, किस तरह का एरो चाहिए आपको, एरो ब्लॉक नेम क्लोज फील्ड चाहिए या कुछ और चाहिए, जैसे कि आर्किटेक्चरल चाहिए आर्किटेक्चर टिक वाला चाहिए टिक वाला लेंगे, ऑब्लिक, ये सारी कमांड यहाँ पर स्टेटस में दिख जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कमांड किसमें दिखती है, स्टेटस में जाके देखेंगे तो डी आई एम डैश डी स्टाइल लिखोगे, मैं स्टेटस में जाऊंगा स्टेटस दिख जाएगा, वेरिएबल में जाऊंगा तो वेरिएबल है, वेरिएबल स्टैंडर्ड चल रहा है तो स्टैंडर्ड लूंगा, कौन सी कमांड यूज हो रही है, देखो ये इतनी सारी कमांड है ना, अब इतनी सारी कमांड का यूज इतना हम करते भी नहीं है, अगर करना है तो फिर आप करो, मैं लिख देता हूं, अगर आपको लगे कि कमांड में देखनी है तो आप देख लेना, सब चीज सारी देख सकते हो, ये सब डी पे ओनली डायमेंशन की कमांड, इतनी सारी कमांड, इतना हम यहां से नहीं करते, सीधा हम डी स्टाइल जाकर कर सकते हैं, सारी सीधा सीधा डी स्टाइल सब हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस मैंने यहां ने करा ना, ये पूरा यहां से सब कर सकता हूं मैं, यहाँ से नहीं लिया अंदर से। आपको जहां से सही लगे वहां से करो, मैं तो मना नहीं कर रहा, मेरे को पढ़ाना है मैं पढ़ा दूंगा, बस आपको सही लगे वहां से स्टार्ट करो, वहां पर खत्म करो, सही है ना, मैं उसमें मतलब वो बात नहीं है कि आपको आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको ये बताया नहीं, बस बाकी वो चीज मेरी है, यहाँ से मोटिवेट जाओगे तो आप सब चीजें जैसे लाइन एरो टैक्स फिट अल्टरनेट यूनिट प्राइमरी यूनिट टॉलरेंस वगैरह सब चेंज कर दो, मान लो मेरे को यहाँ पर एरो चेंज करना है, मैं यहाँ पे एरो ले लेता हूँ मान लो आर्किटेक्चर आर्किटेक्चरल वाला, और लीटर वाला चेंज करना है नहीं है, टैक्स मेरे को चेंज करना है तो टैक्स में मैं यहाँ पर टैक्स स्टैंडर्ड रखूँ या अनोटेटेड रखूँ अपने ऊपर डिपेंड है, फिर डेसिमल कितने प्लेसेस चाहिए तो आपको पॉइंट के बाद कितने डेसिमल चाहिए वो आप लिख सकते हो, ये राउंड ऑफ आता है, राउंड ऑफ किसी को करना नहीं मेरे को, ओके कर दिया सेट करंट कर दिया और क्लोज कर दिया, बट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई अब होगा, यहाँ से अप्लाई ऑल, अब सब हो गए सेट, ठीक है क्लियर, इसमें कोई डाउट
अब मान लो इसकी कलर चेंज करना है तो आप डी में जाकर कर सकते हो एक बार, आप एक बार ही सारा ऑप्शन यूज कर लो, मैं तो यही चाहूंगा। ये बाय डिफॉल्ट जमा चल रही थी यूनिट वो वाली है, मैंने उसमें कुछ चेंज नहीं करा। ठीक है, डेस डिम में जा करके मैं यहाँ पर स्टाइल का नाम क्या था हमारा, स्टैंडर्ड, वो लिख सकते हो आप यहाँ से, ले भी सकते हो। स्टाइल का नाम स्टैंडर्ड है, ये वाली डायमेंशन लाइन है हमारी, चल ग्रेड करंट स्टाइल डायमेंशन है, ये वाला है, तो डी स्टाइल में जा करके सारा चीज कर सकते हैं हम। मॉडिफाई, और अगर मान लो आपको खुद की डायमेंशन लाइन डायमेंशन स्टाइल क्रिएट करनी है खुद की, तो फिर आप न्यू पे जाओ, आप ओवरराइड करना तो ओवरराइड तो कर ही सकते हो, ओवरराइड में क्या होगा इसको हटा देगा ये, मैं मॉडिफाई करता हूँ या फिर मैं न्यू क्रिएट करता हूँ, न्यू क्रिएट मैंने कर ली मान लो, स्कोप कंप्यूटर, यहाँ पर स्टैंडर्ड रखूंगा, अनोटेटिव नहीं रखूंगा, अनोटेटिव मेरे को अलग से डायमेंशन फर्क पड़ जाते हैं। ओके करा, मेरे को लाइन जो कलर चाहिए ना, मान लो कलर मेरे को रेड चाहिए, डायमेंशन लाइन का लाइन टाइप मेरे को थोड़ा हिडन टाइप चाहिए, लोड में जाकर के यहां से हिडन ले लूंगा, यहां सेलेक्ट करा, ओके कर दिया, फिर मैं जाता हूं यहां पर एक्सटेंड बियॉन्ड टिक, वो हमको करने नहीं है, बेस लाइन के बीच में स्पेस कितना आ रहा, 0.380 है ना, और आपको सुपर प्रेस करना है तो सुपर प्रेस कर सकते हो, सुपर प्रेस नहीं करना आपको। अब एक्सटेंशन लाइन की आपको डायमेंशन स्टाइल चेंज करनी, हिडन कर दो दोनों की, आप इसकी भी कर सकते हो। फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे सिंबल एंड एरो, एरो ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लो कि आपको जैसा चाहिए वैसा यूज कर सकते हो, राइट एंगल वाला चाहिए तो राइट एंगल वाला ले लो, डॉट वाला चाहिए डॉट वाला ले लो, ट्राइंगल फील चाहिए ट्राइंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको लेटर कमांड यूज करनी नहीं, एरो की साइज मान लो मैंने दे दी यहाँ पर एक, ठीक है, और सेंटर मार्क करना है तो कर सकते, नहीं कर देता हूँ, मेरे को नहीं करना सेंटर का मार्क, ब्रेक साइज नहीं रखनी है, आर्क के जो लेंथ वगैरह जो सिंबल वगैरह आता है अब वो डायमेंशन लाइन टेक्स आना चाहिए, तो यहाँ पर अब वो डायमेंशन लाइन टेक्स कर देते हैं। फिर चलते हैं हम टेक्स के अंदर, टेक्स में स्टैंडर्ड रखेंगे, कलर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, फिल कलर भी नहीं कर रहे हैं, टेक्स्ट की हाइट कर दूंगा 1.5। अब आपको वर्टिकल प्लेस करना है या अबू करना है या आउटसाइड करना है या जस्टी में खुद के अकॉर्डिंग करना है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अलाइन विथ डायमेंशन लाइन। फिर मैं प्राइमरी यूनिट जाता हूँ यहाँ पर, मैं आप मान लो आपको इंजीनियरिंग लेनी, इंजीनियरिंग ले लो, मैं यहाँ पे लेता हूँ आर्किटेक्चरल, और यहाँ पे लेता हूँ 1.4, वन हाफ, यहाँ पे कुछ राउंड ऑफ देना नहीं है। फिर जाते हैं हम अल्टरनेट यूनिट में, यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं डेसिमल लगता हूँ, राउंड फिगर सही है, यहाँ मैं मान लो पॉइंट के बाद 3 0 ले लेता हूँ, ओके कर दिया, सेट करंट कर दिया, इसको इसको करना सेट करंट, क्लोज कर दिया। अब ये डायमेंशन सब हटा देता हूँ मैं, सब डायमेंशन डिलीट कर दी, एक ने लाइन ड्रॉ करी और DLI से कमांड लगाता हूं, ये देखो ये आ रहा है आर्किटेक्चर यूनिट, ये आ रही है हमारे MM, ये एरो चेंज हो गए, एरो आप चेंज कर सकते हो अपने यूज के अकॉर्डिंग, कैसा भी आपको एरो चाहिए ना वो एरो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, क्लियर, अगर आपको लग रहा है एरो सही दिख रहा है तो एरो आप और भी चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ,
अभी हिडन में आ रही है, हिडन लाइन को आप कैसे भी सेट कर सकते हो। ओके ठीक है, डायमेंशन लाइन को डिपेंड डिफरेंस कोई डाउट, क्लियर? आगे बढ़े, आईडी कमांड भी हो गई हमारी। ठीक है, अब हम चलते हैं। अगर आपने वो पीडीएफ देता है, ऑटोकैड की फाइल है, पीडीएफ देता है ना पीडीएफ, तो उसको आप इंपोर्ट करो, आईएमपी इंपोर्ट। इंपोर्ट में आप डेस्कटॉप पे जाओ, आपको पीडीएफ ऑटोकैड की ही है तो फिर आप सीधी ले लो, वो ऑटोमेटिक फाइल, वो ऑटोकैड की फाइल इसमें खुल जाएगी। ओपन कर दूंगा। अब ये पूछता है कि ड्राइंग लेआउट पीडीएफ को आपको क्या करना है, सब ज्वाइन फॉर आर्क सेगमेंट, कन्वर्ट टू सॉलिड फाइल, हैचिंग नहीं कर दिए, यहाँ से कुछ चेंज नहीं करेंगे। यूज पीडीएफ लेयर, यूज करंट ऑब्जेक्ट लेयर, ओके कर देंगे। ये ऑटोकैड की फाइल है, ये मतलब इसमें कुछ भी चेंज कर सकता हूँ मैं, ये डिलीट कर सकता हूँ मैं, टेक्स्ट वगैरह आपने यूज के अकॉर्डिंग सब चेंज कर सकता हूँ। तो पीडीएफ को एज आप यूज कर सकते हो, अभी हम सब चीज आप चेंज कर सकते हो। मैंने वहां पे किया था, उसको मैं तो उसमें एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही थी। पता नहीं वो आपने इम्पोर्ट उससे क्या होगा, पी आई एम पे हाँ हाँ उससे नहीं करना, आई आई एम आई एम पी कमांड लगानी, इम्पोर्ट अलग होती है, आई एम पी अलग होता है, इम्पोर्ट पता चल गया। कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, कोई भी डायमेंशन, कोई भी मेजरमेंट, कोई भी वैल्यू, सब मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये होता इम्पोर्ट। एक होता है एक्सपोर्ट, EXP। एक्सपोर्ट में तो यहाँ पे जो फाइलें होती है ना, मैक्स वगैरह में ले जाने के लिए, बिट मैप में ले जाने के लिए, तो यहाँ से ये फाइल लेते हैं, ज्यादातर हम यूज करते हैं, इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, ये ACIS लिखा आ रहा है ना, SAT, ये फाइल में सेव करके इसको हम अगर मैक्स में इंपोर्ट करेंगे तो ये पूरा स्मूथली ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट आ। एक होता हमारे इसके अंदर एक्स अटैच, एक्स अटैच। इसमें क्या होता है कि आपके जो कोई फाइल को, ऑटोकैड की फाइल ही है, उसको इसके अंदर अटैच करना है। ओपन कर देंगे, ओके कर देंगे, आप इसको अटैच कर दो, ये ऑटोकैड की फाइल अटैच हुई है, ओनली ब्लॉक के अकॉर्डिंग अटैच हो गई। ये जो रेफरेंस एडिट फाइल है, मतलब ब्लॉक के अकॉर्डिंग फाइल है ये, इसमें एडिट कर सकता हूँ मैं, क्या एडिट करना है, लाइन वगैरह कुछ भी एडिट करना है तो वो यहाँ से एडिट कर सकते, इसको बोलते हैं एक्स अटैच। क्या थी? एक्सपर्ट एक्स अटैच। एक हमारा भी फिल्टर, फिल्टर में आपको क्या लेना है, यहाँ से आर्क लेना है, आर्क को सिलेक्ट करना है या लाइन को लेना है। मान लो मेरे को यहाँ पे से सिर्फ ओनली ऑन क्या लेना है, कौन सी कमांड लेनी है, लाइन को फिल्टर करना है। ये आपको टैक्स को लेना है तो टैक्स ले लीजिए, अप्लाई करो। अब यहां पर कोई है ही नहीं, अगर मैं लाइन खींचता हूं एक बार और फिल्टर लगाता हूं, फिल्टर वो वाला नहीं, इंस्टाग्राम वाला, ठीक है, एड लिस्ट कर दिया, अप्लाई सेलेक्ट एंटर, मतलब आपको ऑब्जेक्ट लोगे ना उसको फिल्टर के साथ हम यूज कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए। वैसे सिमिलर सेलेक्ट कमांड भी होती है, और आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, फिल्टर फिल्टर से हम जो जो चीज आपको हटानी होती है ना, जैसे कभी मान लो कि आपको
3D बना लिया आपने, 3D बना लिया, आपको ये चीज हटानी, जैसे मान लो 3D फेस हटाना है, कुछ भी चीज आपको हटानी है यहाँ से, डिलीट करना है या क्लियर करना है, जो भी चीज करना है वो यहाँ से हट जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ से डिलीट करूंगा, वापस यहाँ से फिल्टर हट गया। एडिट आइटम करूंगा, मान लो मैंने एड लिस्ट करा और कर दिया, जितने चाहिए उतने कर दूंगा, डिलीट करना डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये होता है फिल्टर। फिल मोड में तो आपको जीरो वगैरह कुछ करना, कुछ फिल मोड में क्या होगा, मैं जीरो कर दूंगा तो हैचिंग इसके अंदर होगी नहीं, नहीं होगी हैचिंग करूंगा तो भी हैचिंग नहीं होगी इसके अंदर, फिल मोड जीरो करेंगे तब, और एक कर देंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो फिल मोड, ठीक है, क्लियर। तो ये इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है सबको, अगर डाउट होते हैं तो पूछ सकते हो। अब आपके 1 या 2 क्लास में ड्यूटी खत्म हो।